नर्मदा में बस डूबी, 1300 मिले इंदौर के पास। हादसा, ओवरटेक करते समय बस अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिरी। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। दोस्तों आप तो हम बताते चले कि मुख्यमंत्री शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ ने जताया दुख। रामरोड में गलकाट के पास नर्मदा में फंसी मध्य प्रदेश के धार जिले के सोमवार सुबह इंदौर खारगांव के बीच भयानक हादसा हो गया। बस इंदौर के महाराष्ट्र के अमलनेर जा रही थी। बस धामनोद में बालघाट के पास नर्मदा में जाकर गिर गई। सुबह 10:10 पर 15 मिनट के बीच खलघाट में दो लोहेन से पुल पर एक वाहन के ओवरटेक करने के दौरान बस अनियंत्रित हो गई। चालक का संतुलन बिगड़ने पर रेलिंग तोड़कर नदी में गिर गई बस। महिलाओं और बच्चे समेत बहुत से यात्री सवार थे। उसे महिलाओं और बच्चों कुल मिलाकर 40 बतलाया जा रहा है, जिसमें से 1300 निकाले जा चुके हैं। इनमें 8 पुरुष, 4 महिलाएं और 1 बच्चा है। मृतकों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि 15 यात्रियों को जिंदा बाहर लाया गया है। हालांकि मौके पर मौजूद एम्बुलेंस के चालक ने बताया कि अभी तक कोई यात्री जीवित नहीं मिला है। देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क और बने रहे हमारे साथ। जय